तो हेलो फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। ये देखिए मेरे बड़े गांव का है डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फिर हम धीरे धीरे निकलते हैं आगे की तरफ, आगे पुलिस स्टेशन आएगा, फिर उसके साइड चलेंगे, पुलिस स्टेशन देखेंगे, थोड़ा जल्दी पुलिस स्टेशन हो जाएगा। ये पुलिस स्टेशन निकल गया। अरे बाप रे, ये क्या है भाई, तक के ट्रेन, क्या बात है, क्या बात है, भारतीय रेल। फिर आ गए हम बाबरपुर चौराहे पर। यह है बाबतपुर एयरपोर्ट, यहाँ से देखने को मिलता है। तो बाबतपुर एयरपोर्ट बाद में देखा जाएगा। हमारा आ गया बस, यहाँ से निकलूँगा मैं कैंट, कैंट से फिर पकड़ेंगे टेम्पू। और ये बस स्टार्ट हो चुकी है। ये आ गया गैस प्लांट, बहुत बड़ा गैस प्लांट है ये। ये देखिए यहीं से पूरा इंडिया में गैस की सर्विस सप्लाई होती है। ये आ गया हरहुआ रिंग रोड, ये जो रिंग रोड सामने दिख रहा है ये निकलेगा मिर्जा मुराद, और इसके अपोजिट साइड वाला जाएगा गाजीपुर। तो अगर आपका एग्ज़ाम के आई टी में पड़ा है, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ से चले जाइए। आ गया विशाल मेगा मार्केट, सबसे सस्ता सबसे अच्छा स्टूडेंट्स के लिए। फिर आ गया राज जेसीबी बुलडोजर बाबा, चलिए भाई बुलडोजर बाबा के पास आ गए हैं हम। फिर आते हैं शिवपुर बाईपास अतुलानंद स्कूल, ये भी काफ़ी अच्छा स्कूल है, 11th 12th यहीं से पढ़े हैं। तो फिर अतुलानंद से आगे निकलते हैं, ये आ गया जालांस, इसके बाद आएगा वरुड़ा ब्रिज। ये देखिए वरुड़ा ब्रिज एकदम पानी से लबालब भरा हुआ, बरसात के समय पूरा एकदम एरिया डूब जाता है, सबका घर भी डूब जाता है। यहाँ से हम जाएंगे जेएचबी, ये है चर्च। फिर आगे आते हैं, ये है कैंट ए पार, ए पार ओ पार में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आगे हम बस स्टेशन कैंट के, फिर यहाँ से टेम्पू पकड़ के चलेंगे बनारस स्टेशन। अरे यहाँ पे क्या लफड़ा हो गया, टेम्पू वाले ने सामने ही लगा दिया। अरे भाई हटाओ यार, चलो चलो भाई जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। ये हमारी टेम्पो निकल गई बनारस स्टेशन के लिए। बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है भाई, आधा घंटा तो यहाँ से निकलने में लग जाता है। यही इसी तरीके से चलेगा, टेम्पू हो या बस, सबको चलना होगा साइकिल की तरह, धीरे धीरे, साइकिल क्या, पैदल, धीरे धीरे। पैदल वाले भी आगे निकल जा रहे हैं। फिर देखिए ये मधुर संगीत गाते हुए हमारे ड्राइवर भाई, संगीत का आनंद लीजिए। अरे वाह, उस टेम्पो पे सरकारी नौकरी लिखा हुआ है, क्या बात है भाई, सरकारी नौकरी। आ गया हमारा बनारस स्टेशन, तो चलिए चलते हैं बनारस स्टेशन की तरफ। बनारस स्टेशन बहुत साफ हो चुका है पहले से, चलिए आपको दिखाते हैं ये बनारस स्टेशन। अरे वाह, मेक इन इंडिया, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये देखिए बनारस स्टेशन पूरा साफ हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस 4:30 बजे D2 मतलब प्लेटफार्म नंबर D2 पे आएगी। और ये दो लोग और आ चुके हैं, ये दोनों भी आ चुके हैं। अरे ये पैसा लग रहा है, पानी निकालेंगे, ठंडा पानी निकलवाने हैं, देखते हैं मशीन काम कर रहा है या नहीं। ये हमने पैसा डाला, अरे पानी तो आया या नहीं, पैसा तो चला गया। अरे ये क्या होगा भाई, पैसा वापस आ गया है। आते हुए दोनों शेरों की तरह, इनके वजह से लेट हो रहा था। ये है 3 AC, चलिए हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, तो चलते हैं धीरे धीरे। अब कुछ सुंदर नज़ारे देखे जाएँ, ये देखिए वहाँ पे कुछ हो रहा है क्या भाई, ओह सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बीकानेरी, सॉरी बीकाजी कुरकुरे खाते हुए। ये पानी से लबालब भरा हुआ, मतलब पानी बरसा है अच्छा खासा, हर घर को पानी, जनरल में ना पूछो ही। अरे ये चमगादड़ है क्या, अरे नहीं ये तो आशुतोष है, आशुतोष भाई सोते हुए। नहीं जा रहे थे ये पूरा एकदम,
पानी ख़त्म हो चुका है, इसके नीचे ऑक्सीजन बहुत कम हो गया होगा। भदोही स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अब धीरे धीरे सूर्यावा स्टेशन। अरे बड़ा जल्दी रात हो गया, ये 5 मिनट में ही रात हो गया है। कुछ खाया जाए, ये है चूड़ा और मूंगफली। इसके अंत में केवल चूड़ा ही बचा हो रहता है, मूंगफली सब खा जाते हैं, इसका एक खासियत है। देखिए सब चबाते हुए, मैं भी चबा रहा हूँ। ये है इफ्को पावर प्लांट, एग्रीकल्चर वालों को सबसे अच्छा। अरे ये भाई क्या लाए हो तुम, मुझे भी खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं वीडियो ही बनाता रह जाऊँगा, कुछ खा नहीं पाऊँगा। ये भाई मुझे भी दे दो, भाई मुझे भी दो प्लीज़। ये मीठी पूड़ी खाते हुए, ये ट्रेन सामने जाते हुए, चलिए ये ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और हमारा 70, तो दोनों कितनी स्पीड से अलग हो रहे हैं ट्रेन बताइए। तो प्रयागराज स्टेशन पे पहुंच गए। अरे वाह, एसी ट्रेन लेने के बाद ये सोते हुए लग रहा है, आज पूरा 7 घंटा सोएंगे। अरे मुझे को जगाना मत, कितना भी कुछ हो जाए। अरे भाई बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर आया है, चल बाइकआउट करते हैं, बाइकआउट करते हैं। अबे पहले ट्रेलर तो देख ले, बाद में बाइकआउट करना। नहीं पहले बाइकआउट करूँगा फिर ट्रेलर देखूँगा। ये मज़ा आ गया ट्रेलर देखने में, बाइकआउट करने में। ये दोनों लड़ते हुए पूरे रास्ते भर लड़ते हैं। हम बांदा स्टेशन पहुँच चुके हैं। भाई मेरा भी फ़ोटो ले लो। ए भाई विवेक भाई मेरा भी फ़ोटो ले लो। और ये वेटिंग रूम में हम थोड़ा वेट करते हुए फिर यहाँ से बांदा स्टेशन से यहाँ से यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन अभी हम रात को आए हैं तो पहले कहीं रुकने का व्यवस्था देखा जाए। और ये राम भाई सामान नहीं उठा पा रहे हैं तो ये दे देंगे सीएम को, जो कि बॉडी बिल्डर है। भाई सीएम ले लो, भाई भाई सीएम बाहुबली बाहुबली। अरे वाह कुत्ते, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर बांदा स्टेशन पे आएंगे तो आपको ये रूम मिल जाएगा यहाँ पे। ये देने देखिए फिर से लड़ते हुए, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, अब क्या किया जाए इनका। अब देखते हैं हम दोनों क्या कर रहे हैं भाई। ये देख, ये सीधे साधे चुपचाप फिर निकलते हैं हम सुबह बांदा यूनिवर्सिटी की तरफ। ई रिक्शा में बैठ चुके हैं, टेम्पो वाले भैया पान चबाते हुए। ई रिक्शा कितना तेज चलता है आप तो समझ सकते होंगे। अरे वाह ये क्या, अरे भैया 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 धीरे ब्रेक मार के चलाइए भैया। अरे भैया निकाल लिया ये तो। अच्छा भैया यूनिवर्सिटी से सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है बांदा 1.2 किलोमीटर, तो हमारा यूनिवर्सिटी केवल 1.2 किलोमीटर है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे कुछ काम चलते हुए, अब यहाँ से कैसे निकालेंगे। धूम 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 मूवी याद आते हुए, तो धूम 4 में यही आमिर खान का रोल करेंगे। अरे वाह भाई ये तो धूम 4 के लिए ही बने हैं, अरे ये तो गेम खेल रहे हैं भाई, जितना पास से निकलेंगे उतना पॉइंट मिलेगा। आ गया भाई यूनिवर्सिटी। अब हम पहुंच चुके हैं बांदा यूनिवर्सिटी के गेट पे, तो चलिए चलते हैं बांदा यूनिवर्सिटी के अंदर। अरे पहले एंट्री कराओ, पुलिस भाई बोलते हुए पहले एंट्री कराने के लिए। अरे एंट्री कराओ, तो यहाँ पे पहले आपको कराना होगा एंट्री, फिर आप अंदर जा सकते हैं। चलिए हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ यहीं से, बहुत अच्छा रोड है भाई, एकदम पास में पेड़ रोड लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर भी सामने इधर लेफ्ट साइड भी कुछ बिल्डिंग बनते हुए। ये है जिमनास्टिक, यहाँ पे होगा जिम। फिर धीरे धीरे इसी तरह से जितना भी कॉलेज दिखेगा सबको दिखाया जाएगा जूम करके। ये कौन सा कॉलेज है भाई, देखते हैं इसे भी जूम करके। ये क्या है, कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन साइंस, मतलब शायद यहाँ पे एक्सटेंशन वाले आते होंगे। तो फिर आगे ये है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वाला है, बहुत अच्छा बिल्डिंग है भाई। सभी बिल्डिंग एक जैसी ही हैं, थोड़ा जूम करके इसे भी देखा जाए। भाई जूम करो, अरे ज़्यादा जूम हो गया। अब ठीक है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये। फिर आगे आते हैं, सभी बिल्डिंगों का कलर अलग अलग है, तो
अब देखते हैं, ये है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है ये। हाँ हाँ ये वही है, वही है। इधर उधर भी देखते रहिए, रोड एकदम मस्त है भाई। वहाँ दूर भी कुछ दिख रहा है। अब यहाँ से हमें मुड़ना होगा यहीं से हॉस्टल की तरफ। तो चलिए, ये जो रेड वाली बिल्डिंग थी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इसका भी दिखा देते हैं जूम करके। यहीं पे हम लोग को जाना होगा पढ़ने के लिए। भाई थोड़ा जूम करो। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है ये। इधर रखा हुआ है ट्रैक्टर वैक्टर। ये है बीएससी एजी वालों का हॉस्टल। अगर आप बीएससी एजी में एडमिशन लेते हैं तो आपको इसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा। और वो जो दूर दिख रहा है वो है एमएससी और पीएचडी वालों का हॉस्टल। भैया थोड़ा गाड़ी तेज चलाइए। तो भैया गाड़ी तेज नहीं चला रहे हैं, मैं वीडियो फास्ट कर दिया हूँ। ई रिक्शा कितना तेज चलता है आप तो समझ ही सकते होंगे। तो ये हम पहुँच गए हॉस्टल। अब चलते हैं हॉस्टल के छत से नज़ारा देखने। ये देखिए हॉस्टल के छत का नज़ारा बहुत ही अच्छा है भाई। बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का दीवाल, ये देखिए। और वो जो दूर दिख रहा है वो है हॉस्टल बीएससी एजी वालों का। काफ़ी सारे हॉस्टल हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो जो रेड कलर का दिख रहा है वो है अपना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। जूम करो भाई, भाई जूम करो। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे जो छोटा सा गुंबद टाइप का दिख रहा है वो है आर ओ प्लांट टंकी के पास। यहाँ का पानी थोड़ा ख़राब है इसलिए आर ओ प्लांट लगा हुआ है बड़ा सा। आपको केवल आर ओ पानी ही पीना पड़ेगा। ये देखिए झगड़ा कर लिया है भाई कुत्ते से। अब कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, कोई लगता है कुत्ता काटेगा इसको। चलिए हम पैदल अब घूमते हैं। ये है हमारा आला छात्रावास बीएससी एजी हॉस्टल, फिर से आ गया। ये तीन गुंडे घूमते हुए। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इधर है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी वालों के लिए। बिल्डिंग बन चुका है, बस धीरे धीरे यहाँ भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, अपडेट मिल जाएगा आपको। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आ गया फिर से। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है पूरा अच्छे से। ये देखिए ये लोग भी वीडियो खराब करते हुए। इधर भी कुछ बन रहा है। अब दोबारा यूनिवर्सिटी आएंगे तो देख लेंगे क्या है भाई। वहाँ भी देखिए कुछ लग रहा है, ग्राउंड है वहाँ पे, क्रिकेट खेला जाएगा ग्राउंड में। आ जाओ भाई तुम लोग भी आ जाओ। ये दोनों लग रहा है लड़ेंगे, कुछ ना कुछ लड़ाई होने वाला है। देखिए फिर से ये सब सुधरेंगे नहीं भाई ये सब। इसी गेट से हम लोग रात को आए थे। अब हम जा रहे हैं कन्वीनियंस स्टोर जहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे कॉपी किताब, खाना पीना, मतलब खाने पीने वाला सामान। ये क्या है भाई, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। अगर आप फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं तो आपको यहीं आना होगा। अब हम पहुँचने वाले हैं कन्वीनियंस स्टोर सुविधा केंद्र। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। फिर आते हैं कन्वीनियंस स्टोर में, देखें क्या क्या है। अमर सिंह कुशवाहा ई स्टाम्प, इसमें तो भाई सब कुछ है यार, यूनिवर्सिटी के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स भी है, कॉपी किताब सब कुछ है, चिप्स भी है, टॉफ़ी चॉकलेट। और ये भैया बताते हुए बहुत मधुर संगीत चल रहा है। अरे प्रिंटिंग प्रेस वाला भी, मतलब जीरोक्स वाला भी काम है यहाँ पे। ये क्या है भाई, अरे वाह दूध दही मक्खन सब है यहाँ पे, कहीं बाहर जाने की जरूरत है। नमकीन बिस्किट
सब है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा आपको। ये है भाई यहाँ का ग्राउंड, ये फुटबॉल वालों के लिए है, उधर भी क्रिकेट का ग्राउंड है अलग से। यहाँ पे ग्रीन हाउस मतलब कुछ बना हुआ है, हॉर्टिकल्चर वाले ही करते होंगे इसके लिए कुछ। यहाँ पे तीनों कंफ्यूज हो गए हैं किस रास्ते पे जाना है हमें। लग रहा है प्रैक्टिकल अच्छा खासा होता है यहाँ पे भाई। ये दूर दिख रहा है एडम ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब प्रशासनिक भवन। थोड़ा अच्छे से देखा जाए, महाराजा छत्र भवन, छत्रवास भवन। देखिए भाग चुके हैं सब, वीडियो बना रहा था मैं, ये सब रुके नहीं, भाग गए, बहुत ख़राब लगता है भाई। ये है मत्स्य पालन, ये देखिए मेढक देख लिए हैं तीनों, और इस पर अटैक करेंगे, सुधरने वाले नहीं है सब, बहुत बदतमीज हैं। अब हम निकल गए हैं अपने वाराणसी की तरफ, वैसे धीरे धीरे चलते हैं। अभी आएगा इलाहाबाद ब्रिज, जहाँ का अद्भुत नज़ारा आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगता है इलाहाबाद का ब्रिज। जल्दी आओ भाई ब्रिज, ये आ गया अपना ब्रिज, यहाँ से देखिए गंगा मैया को, वाह क्या बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आवाज़ जाते हुए और डर भी लग रहा है, अब धीरे धीरे आते रहेंगे बांदा यूनिवर्सिटी तो डर भी ख़त्म हो जाएगा इस ब्रिज पे। फ्रेंड्स अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने आपको बांदा यूनिवर्सिटी का ट्रेवल ब्लॉग अच्छा लगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबको, यूनिवर्सिटी का ये वीडियो शेयर कीजिए।